आए अल्पसंख्यकों ने आज नागरिकता के लिए डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के सामने अपने दस्तावेज पेश किए। 10 से अधिक पाकिस्तान के बलूचिस्तान से आए लोगों ने नागरिकता के लिए अपने दस्तावेज दिए हैं और नागरिकता संशोधन कानून के आने के बाद लोगों में उम्मीद जागी है। पाकिस्तान से आए लोगों का कहना है कि भारत सरकार ने बहुत बड़ा कदम उठाया है, इससे उन्हें उम्मीद है कि जल्द ही भारत की नागरिकता मिल जाएगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटी के अध्यक्ष जेएस बिश का कहना है कि 3 बैठकें हो चुकी हैं, लगातार पाकिस्तान से आए लोग नागरिकता के लिए अपने दस्तावेज पेश कर रहे हैं। लोगों से बातचीत की जी मीडिया की टीम ने। जो भी नागरिक पाकिस्तान से या बांग्लादेश से पहले से यहाँ आए हुए हैं और उनको नागरिकता यहाँ नहीं मिली है, तो उनको नागरिकता देने के लिए जो है कुछ अधिनियम में संशोधन किया गया है, उसको आसान बनाया गया है। तो उसी के तहत आज देहरादून मंडल में ये 3री मीटिंग है। केंद्र की सरकार ने CAA लागू किया तो उसके बाद बहुत सारे लोग जो यहाँ पर अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश से धार्मिक असहाय लोग और पीड़ित लोग आए हुए थे, उनको नागरिकता देना एक थोड़ा सा चैलेंज बन रहा था क्योंकि उन लोगों तक सही जानकारी नहीं पहुंच पा रही थी। तो उसको सही जानकारी पहुंचाने का काम जो हमारी संस्था है सीमा जागरण मंच, उसके माध्यम से दिया। राजधानी देहरादून में पाकिस्तान से आए कुछ लोगों का दल हमारे साथ में है जो काफ़ी समय से देहरादून में रहता है और आज DLC में ये अपने कागजात को पेश करने के लिए आए हैं ताकि इनको देश की नागरिकता मिल सके। और पाकिस्तान से कब आए, किस परिस्थितियों में आए, ये सब पूरा इसके बारे में हम इनसे बात करेंगे। सर, आप लोग पाकिस्तान से कब आए? हम 91 में आए हैं सर। तो आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, क्या आप देना चाह रहे हैं? बस यही है कि सरकार को बहुत बहुत इसमें हम धन्यवाद करेंगे कि उन्होंने ये कानून लाकर पाकिस्तानी हिंदू लोगों को नागरिकता देने के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया है, जिससे हिंदुओं को अपनी पहचान मिल सके और एक समान होकर सब लोग रह सकें। बिल्कुल। मैम, आपका क्या नाम है जी? अंजलि। अंजलि जी, आप कब आई थी यहाँ पर? जी 91 में आए हुए हैं। तो आपकी शादी यहीं पर हुई कि कब हुई थी? जी, मेरी शादी यहीं पे हुई है 2016 में। यहीं तो यहीं आज आप लोग नागरिकता के लिए आए हैं कि फॉर्म भरें? जी, हाँ जी, नागरिकता के लिए आए हैं, तो विनती है कि जल्दी ही हमें नागरिकता मिल जाए। तो सर, आप बताइए कि अब नागरिकता का इंतजार है? जी हाँ, बिल्कुल इंतजार है, काफ़ी टाइम से जा रहे थे कि हमारी हो जाए। तो थैंक यू गवर्नमेंट का, बहुत बहुत धन्यवाद, इसकी वजह से ये प्रोसेस बहुत ईजी हो गया। तो चेहरे की मुस्कान बता रही कि कुछ जल्दी काम हो जाएगा? हाँ जी, हाँ जी सर, पूरी उम्मीद है कि जल्दी काम हो जाएगा इससे। और जिस तरह से सरकार ने कदम उठाया इससे राहत? अच्छा कदम उठाया है ये सभी के लिए, सभी हिंदुओं के लिए, जिनको जल्दी नागरिकता मिल जाए इससे। तो कहाँ से आए थे आप पाकिस्तान से? हम बलूचिस्तान से आए थे। तो फिलहाल देखिए कि इसी तरह से जो बहुत सारे लोग आए हैं वो अब इस बात के लिए अप्लाई कर रहे हैं कि उनको देश की नागरिकता मिल सके और जो DLC है, डिस्ट्रिक्ट लेवल की कमेटी, वहाँ पर सभी कागजात को ये जमा कर रही है। कैमरा पर्सन अमरेश भट्ट के साथ मैं रामानुज, जी मीडिया।